वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलीफ्लावर स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए मैंने लिया है फ्रेश कॉलीफ्लावर है, इसको धो करके रखा हुआ है मैंने, और थोड़ा सा लिया है पीस, और इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलीफ्लावर को हम ग्रेट कर लेंगे मोटे वाले साइड। अभी मैंने कॉलीफ्लावर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इधर तेल गरम हो चुका है, मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है इसमें, और अभी डालूंगी जीरा हाफ टी स्पून, और डालूंगी एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे, और अभी डाल दूंगी एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अभी डाल दूंगी फ्रेश पीस, इसको भी भून लेना है। और अभी डाल दूंगी साथ में ग्रेट किया हुआ फ्लावर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। और अभी डालूंगी कुछ मसाले, एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टी स्पून, और डालूंगी अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून, अच्छा टेस्ट देगा इसको, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, इसको मिक्स करेंगे मसालों के साथ में। फिफ्टी परसेंट तक पका लेंगे मटर को और फ्लावर को। अभी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। दो मिनट इसको और भूनेंगे। अभी हमारा स्टफिंग रेडी है, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे, और बना लेते हैं आटे का डो। इधर मैंने डो के लिए लिया है 1.5 कप जितना आटा, और उसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच ऑयल, एक चम्मच अजवाइन, और थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अभी मैंने आटे में तेल को मिक्स कर दिया अच्छे से, और देखिए कुछ इस तरह का बाइंडिंग हो रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक अच्छा सा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी मैंने डो बना लिया है, और इसकी कट करेंगे छोटी छोटी लोई में। ये देखिए इतना बड़ा, इसको हम बेल लेते हैं। चपाती के जितना पतला
अभी मैंने एक चपाती जितना बेल लिया है और इधर मैंने बनाया है एक थिक स्लरी, इसके चारों तरफ हम लगा देंगे स्टफिंग। ये देखिए ऐसा ऊपर की साइड से हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए और इसको ऐसा और यहाँ भी थोड़ा सा स्लरी लगा लेंगे और इसको अच्छे से ये देखिए ऐसे ही हम सारे रोल बना लेंगे। अभी मैंने सारे रोल को तैयार कर लिए हैं और अभी चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। अभी हम अपने रोल्स फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे सभी गोभी रोल गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं और बंद कर देंगे। तो तैयार है हमारे फ्लावर यानी गोभी के रोल। देखिए कितना खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। और अभी सर्दियों के मौसम में फ्लावर बहुत आने लगा है मार्केट में, तो आप अपने घर पे बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, एंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।